विवेक जी, जो आपकी वेब सीरीज़ है गुप्त है, और वैसे भी जो टॉपिक है वो भी वैसे भी गुप्त है, तो क्या सोच के आपने सिलेक्ट की फिल्म वेब सीरीज़? मेरे लिए तो इम्तियाज़ के साथ वापस काम करने का मौका था आफ्टर तमाशा, जिसमें रोल में बहुत अप्रिशिएट हुआ था मैं, और ये रोल भी जब उन्होंने मुझे जब बता रहे थे उस रोल के बारे में, तो इतना इंटरेस्टिंग था कि मतलब ना तो करने के मतलब कोई चांस ही नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल था, बहुत ही डिफरेंट रोल था जो अभी तक मुझे मिले हैं उन रोल्स में से। और अगर मुझे अपना स्टीरियोटाइप ब्रेक करना है ये, तो ऐसे रोल्स से ही हो पाएगा, ये ऐसे डिफरेंट रोल्स से ही हो पाएगा। आपका कैरेक्टर फ्लो क्या है इसमें? मेरे कैरेक्टर का नाम है दिनकर बाडरा, जो कि एक हस्बैंड है, एक फादर है, साथ में एक छोटा न्यूज़पेपर चलाता है एक छोटे शहर में, हिंदुस्तान के छोटे शहर में। उस ज़माने में न्यूज़पेपर चलाता है जब टीवी न्यूज़ नई नई आ रही थी, तो उसकी जो धौंस थी शहर में वो धीरे धीरे बड़ी कॉल डाउन होने लगी थी, क्योंकि लोग टीवी न्यूज़ के पास जा रहे थे। तो एक उसके लाइफ में वो प्रॉब्लम है, दूसरी उसके लाइफ में प्रॉब्लम है कि उसका बेटा बड़ा हो रहा है, लेकिन वो अभी भी चाहता है कि बड़े होकर भी उसके बेटे में 10 साल के बच्चे की इनोसेंस रहे, वो कभी प्यार ना होए उसे, कभी लड़कियों से अट्रैक्शन ना हो उसे, तो और वो इन चीज़ों की बात भी नहीं कर सकता है अपनी फैमिली से, अपने बेटे से खुलकर बात कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए वो बेसिकली डॉक्टर साहब के पास जाता है बेटे के साथ, एंड सो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बहुत ही इन अ वे देखा जाए तो चाहे थोड़ा मतलब हो सकता है थोड़ा सा मतलब कंपेयर टू नॉर्मल पीपल थोड़ा सा ज़्यादा लाउड हो, लेकिन बेसिकली हर इंसान की ये प्रॉब्लम होती है अपने बच्चों के साथ कि बच्चों को कुछ बातें आप नहीं कर पाते, और यहाँ ही नहीं दुनिया भर में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम होती है, कुछ बात बच्चों से नहीं कर पाते। सो उस टाइप का आदमी है और बहुत एंटरटेनिंग है। लेकिन आजकल माँ बाप ज़्यादातर बात करते हैं बच्चों से इन बारे में, आप कर सकते हो? अभी आप करते हो? ये सब मेरे ख्याल से मतलब बात करते भी हैं तो बहुत ही कम करते हैं, और बहुत ही मतलब झिझक के साथ करते हैं। आसान नहीं है बच्चों के साथ बात करना इन चीज़ों के बारे में। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मतलब एक 80 साल का पिता भी एक 50 साल के बेटे को इन चीज़ों में ज़्यादा बात नहीं कर पाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें एक यूनिवर्सली झिझक होती है, ये वो चीज़ें हैं, और इसलिए आई होप कि ऐसी सीरीज़ लोगों में थोड़ी सी एक वो झिझक थोड़ी सी कम करें। वैसे आपको कब प्यार हुआ था पहली बार, किस उम्र में? पहली बार मेरे ख्याल से कॉलेज में था मैं, 19 साल का हूँ। क्योंकि आपकी पहली फिल्म में भी इलू इलू सॉन्ग था, तो कैसे दिखते हैं आप प्यार? प्यार दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ में प्यार ही है। हर किस्म के प्यार होते हैं, सिर्फ आदमी और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का नहीं होता, वो हर लेवल में प्यार होते हैं, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, दुनिया के साथ, इंसानियत के साथ। प्यार ही तो इस दुनिया को एक जीने को मैजिकल बनाता है। विवेक जी, आपको ऑलमोस्ट 30 साल हो गए इंडस्ट्री में, अब रोल्स को कैसे देखते हैं और क्या चाहते हो रोल्स में, क्या देखते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि लोग मुझे एकदम वैरायटी ऑफ रोल्स दें, मतलब नेगेटिव दें, प्योर नेगेटिव दें, कॉमेडी दें, इमोशनल दें, हर किस्म के रोल दें मुझे, किसी एक ब्रैकेट में लोग मुझे वो स्लॉट ना करें, तो मेरी तो वो चाह है। एंड आई थिंक डॉक्टर अरोड़ा उसकी तरफ एक कदम है। आई होप और ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले मुझे अपनी इमेज एकदम ऑलराउंडर एक्टर बनाने की। लोग मतलब अभी भी आपको जो आपका रोमांटिसिज्म है, जो आपका एक रोमांस था 90s के दशक में, उसी लिए आपको याद करते, भले आप कुछ भी करो, अरे ये वही है ना एक्टर।
हाँ, लेकिन वही मतलब चैलेंज भी है कि आप उस वो लाइक करने के साथ साथ वो आपको दूसरे रोज में भी देख पाए, तो वो चैलेंज भी है और वो एक इच्छा भी है कि लोग मुझे हर तरह के रोज़ में देखें और धीरे धीरे वो इमेज के साथ साथ इन कैरेक्टर्स में भी मुझे उतना ही एक्सेप्ट करें। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको वो देखिए वो उसमें याद रखते हैं, लेकिन जिन लोगों ने आज का काम देखा है वो उसको उनको वो नहीं पता रहता है ना। सो कुछ लोगों ने एक सोनपरी नाम का सीरियल देखा है तो उनको तो सौदा कर नहीं पता, सोनपरी सीरियल पता है। सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस होती है। मतलब आपके जो कॉन्टेम्प्रेरी एक्टर थे तभी के, अभी भी वो हीरो ही बन रहे हैं, मतलब उनसे आधी उम्र की लड़की के साथ में पेड़ की अच्छी किस्मत है। ये चीज़ें तो किस्मत की होती है, हीरो बनना और हीरो बनना ही किस्मत की बात है, और हीरो बने रहना तो और भी ज़्यादा किस्मत की, मतलब भगवान का आशीर्वाद है उन सब। तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू डू बेटर एंड बेटर, लेकिन जिंदगी में खुश रहना है तो जितना भगवान देता है उसमें खुश रहना चाहिए, उसी में आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, वरना तो मतलब जो मिला है वो भी बहुत मिला है। कितनों को चांस मिलता है एक्टर बनने का, कितनों को चांस मिलता है इतने साल एक्टिंग करियर में सर्वाइव करने का। सो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। विवेक जी, आपको डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आप अप्रोच कर रहे हैं अच्छे अच्छे रोल के लिए, तो क्या लगता है कि मीन्स ये अच्छा फेज है आपके लिए? आई होप सो दैट दिस इज जस्ट द स्टार्ट एंड मोर पीपल अप्रोच मी फॉर बेटर एंड बेटर, और भी अच्छे अच्छे रोल्स के लिए लोग अप्रोच करें मुझे, और आई होप कि डॉक्टर अरोड़ा एक उनको कॉन्फिडेंस दे इस बात के लिए कि ये शख्स जो है इसे आप किसी एक इमेज में स्लॉट नहीं कर सकते हो, ये तरह तरह के रोल्स कर सकते हैं। आपको जो फिल्में मिल रही थी आपने फिल्में की, उसके बाद में आपने टीवी सीरियल भी की, हालांकि बहुत सारे लोग टीवी पे नहीं जाते, अभी वेब सीरीज, तो ये जो आपके जो स्टेप्स है करियर के, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब दैट वाज इन प्लान, और जो आते गया उसको करते गए? जो आते गया वो करते रहे, ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो रोल मिलता रहा उसे अपनी पूरी शिद्दत के साथ निभाता चला गया। डॉक्टर अरोड़ा के बाद में क्या कर रहे हैं? अभी कोई लेटली तो आ नहीं रहा है, तो अभी तो डॉक्टर अरोड़ा, इसके पहले माही नाम का सीरियल आया था, अभी काफ़ी गैप है, तो उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर अरोड़ा, ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड सी यू अराउंड। थैंक यू।